हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भाई का चैनल सिने व्यू में। आज बात करने वाले हैं एक बंगाली फिल्म यूनिकॉर्न के बारे में। जिस किसी को ओरिजिनल मूवी देखना पसंद है, इस मूवी को जाके जरूर देखें। और जो कोई भी एक अलग हट के टाइप का मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी 2018 में बनके रेडी हो चुकी थी, लेकिन कहीं भी इसे थिएटर रिलीज नहीं किया गया था। और फाइनली अभी इसे डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ किया गया है। और ये महज 58 मिनट का मूवी आपको कहीं भी बोरियत नहीं फील कराती है, तो जाकर इसे फटाफट देख डालिए। इस मूवी के डायरेक्टर है तथागत मुखर्जी। इससे पहले मैंने तथागत मुखर्जी के एक शॉर्ट फिल्म देख रखी है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसका नाम है हाउ टू बिकम ए रेपिस्ट। ये अलग टाइप की मूवी है, बहुत एक डिस्टर्बिंग टाइप की मूवी है, जिसे हर किसी के देखने का बस की बात है नहीं। इस मूवी के मेन लीड रोल में देखने को मिलेगा आपको देवलीना दत्ता को और चिरंजीत चक्रवर्ती को। दोनों का ही काम बहुत ही बेहतरीन है, दोनों ने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। इस मूवी को एक साइकोलॉजिकल मिस्टीरियस वे से दिखाया गया है और फाइनली एक साईफाई टच दिया गया है, जो इस मूवी को और भी बेहतरीन बना देती है और बाकी दूसरे मूवी से एक अलग बना देती है। इस मूवी की खास बात है इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और इसका यूनिक कहानी, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है बाकी मूवी से अलग। और साथ ही साथ इस मूवी को और भी खूबसूरत और भी सुंदर इसकी बेहतरीन स्क्रीन प्ले और लाजवाब सिनेमेटोग्राफी बना देती है। और साथ में इसका स्टोरी लाइनिंग बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के विषय वस्तु के बारे में। मूवी के टाइटल से ही आपको जान पड़ता है कि इस मूवी का विषय वस्तु क्या है। एक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जो इंडिपेंडेंट और फ्रीडम का प्रतीक है। उसी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तथागत मुखर्जी ने इस मूवी में पेश किए हैं। और इस थीम पे हमारे यहाँ बहुत सारे मूवी बन चुकी है जो महिलाओं के फ्रीडम और इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये मूवी उन सारे मूवी से बहुत ही अलग है। चलिए बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। कहानी में एक देवलीना का कैरेक्टर है जो बहुत ही कन्फ्यूज रहती है अपने जीवन से। कन्फ्यूज क्यों रहती है क्योंकि उसे अपने जीवन में फ्रीडम चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, लेकिन उसे अपना वो इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम नहीं मिल पाता है। लड़कियों को जिस तरह का फ्रीडम शादी से पहले रहता है, लेकिन वो शादी के बाद वो कहीं खो जाता है, क्योंकि शादी के बाद कई तरह का एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसे संगे काजे ना में फुर्ती होच काज होच्चे ना फुर्ती होच्चे हाँ शादी ना तो मरा चे पति के साथ, फैमिली के साथ और भी कई तरह के एडजस्टमेंट। इसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से तथागत मुखर्जी ने दिखाया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि वो अपनी एक फ्रीडम की दुनिया चाहती है। वो फ्रीडम की खोज में एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेती है जहाँ पर वो अपने खुशी से रह सके। इसमें दिखाया गया है कि वो अपनी फ्रीडम को खोजते खोजते एक अपनी एक ऐसी दुनिया बना देती है जो बाकी सामान्य दुनिया से अलग होती है, जो सामान्य दुनिया से बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुख शांति और जहाँ उसको अपने एक फ्रीडम का एहसास होता है। इस मूवी में सबसे बड़ी चीज़ है एक कथा जो एक तरह का मैट है। पुराने ज़माने में महिलाओं को उतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता था, तब महिलाएं अपने विचारों को, भाव को अपनी कथा में डिजाइन करके उभारती थी। उसी चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है, जिसमें एक कथा है अपनी दादी से मिली थी और उस कथा में वो अपनी कल्पना की जो दुनिया बनाती थी उसी तरह का उसमें डिजाइन बनते जा रहे थे। मतलब इस तरह का इसे इंटरप्रेट किया गया है कि जो कथा में वो डिजाइन करती थी उसी दुनिया में वो चली जाती थी, जहाँ पे उसे अपनी फ्रीडम देखने को मिलती थी और बाकी दुनिया से वो अलग निश्चिंत रहती थी। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई है। आप लोग देख के बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।